सत श्री अकाल सारियां नूं, पूरी स्वागत है हंगरी सिंह की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए जी कुमाऊं की ब्यूटीफुल सिटी रुद्रपुर में, जिसको आपका मिनी चंडीगढ़ भी कहते हैं। आज हम कवर करने वाले जी यहाँ पे बिरयानी, जो कि आपकी वेज एंड नॉन वेज बिरयानी मिलती है। सिंह चिकन बिरयानी वालों के पास आए हैं, तो आज करते हैं उनको कवर और जानते हैं उनके यहाँ क्या क्या हमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर मैं आई एम संदीप और मैंने अपनी लाइफ नेटवर्किंग के काम से स्ट्रगल की थी, जिसमें मेरे भाई का और मेरे कुंवर अभिमन्यु सिंह जो मेरे मित्र थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था। मैंने काफ़ी टाइम काम करा उसमें, उसके बाद लॉकडाउन आने के कारण कुछ मैंने सोचा कि कुछ अपना करा जाए। कुछ अपना करने के लिए मैंने सोचा, कुछ मेरा एक फ्रेंड था मिलने वाला, जो उसको बिरयानी का टेस्ट आता था हाथ में, वो मेरे से बोला भैया हम भी खा ली आप भी खा ली कुछ करते हैं। तो मैंने कहा चलो अपने शहर में तो नहीं होगा, हम बरेली के रहने वाले हैं, अपने शहर में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कहीं बाहर चलते हैं। तो हमने इंडस्ट्रियल एरिया ये रुद्रपुर घुमा हुआ था, तो सोचा यहाँ कुछ करते हैं। तो यहाँ एक शॉप देख के और हमने इस काम को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमको रिस्पांस अच्छा मिला। वो बंदा दोस्त था, वो कहीं किसी कारण चला गया। उसके बाद इस काम को मैंने अकेले ही अपने बलबूते पे आगे बढ़ाया। तो संदीप जी हमारे लिए लगाने लगे हैं जी यहाँ चिकन बिरयानी, ये आप देख सकते हो। पहले तो भैया आप ये बताएं इसको क्या कहते हैं भैया आप, ये जो जिस चीज़ में बनाते हैं इसको डेग बोलते हैं। डेग दोस्तों इसको कहते हैं डेग, ये उर्दू का शब्द है। और रीज़न इसका ये है क्योंकि इसमें दम, ये बिरयानी दम में बनती है। अच्छा दम में बनती है। दोस्तों देख सकते हो आप अंदर से जो स्टीम निकल रही है, और ये देखिए बिरयानी आ चुकी है जी, आप देख सकते हो कैसी लग रही है। और भैया चावल की बात की जाए कौन सा राइस यूज़ होता है? गौरी होता है, 11-21 गौरी। अच्छा 11-21 दोस्तों चावल यूज़ होता है। एंड अब ये जाने लगा है हाफ जा रहा है भैया। दोस्तों ये हाफ केजी की बिरयानी जा रही है 500 ग्राम। और कितने पीस आएंगे इसके अंदर? 4 पीस आएंगे। दोस्तों 4 पीस आएंगे, आप कलर्स देख सकते हो। और भैया जो इसके अंदर कलर्स होते हैं, ये इसका क्या राज होता है? खाने वाला कलर होता है सर, इसको खाने में यूज करते हैं ना, कलर नेचुरल होता है। तो ये सिर्फ शो के लिए रहता है ताकि बिरयानी दिखे। अच्छा बिरयानी के जी। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो, ये हो चुकी है जी, ये देखिए ये आ गया जी, एक लेग पीस भी है इसके अंदर। ओके ये देख, इसमें पीसेस कितने बताए आपने? 4 पीस। दोस्तों 4 पीसेस हैं इसके अंदर आधा किलो में। और ये चटनी जा रही है, कौन कौन सी चटनी है भैया? टमाटर की, और ये टमाटर की है, ये टमाटर की चटनी, रेड चिली। रेड चिली अच्छा जी, लाल मिर्ची कुटी हुई, लाल मिर्ची और ये वाली जो है, और ये धनिया की, ये धनिया की, और इसमें क्या नाम है, हरी मिर्च, ग्रीन मिर्च, धनिया दही और हरी मिर्च। ओके दोस्तों अब ये देखिए बन चुकी है, ये चला गया प्याज इसके ऊपर। चलो जी ये होगी रेडी। सर हमने तो शुरू में ग्रीन चिकन वगैरह और चिकन कोरमा वगैरह स्टार्ट करा था, जिसमें लॉकडाउन के कारण थोड़ा हमारा नहीं हो पाया। और बिरयानी हमारी मेन थी, बिरयानी को हमने आगे बढ़ाया, बिरयानी की वजह से हम आगे हैं। और अभी हमारा बिरयानी का बैच बिरयानी और चिकन बिरयानी में चल रहा है, और पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले काम करते हैं और झटका चिकन, झटका ओनली इस्तेमाल करते हैं, चिकन ओनली झटका। 160 रुपये केजी का हमारा शुरू से 2 साल हो गए स्टार्ट है, और वही रेट आज तक चलता चला। 80 रुपये में हाफ देते हैं, 40 में क्वार्टर देते हैं, जिसमें क्वार्टर में 250 ग्राम होता है, हाफ में 500 ग्राम होता है, 1 केजी में 1 केजी होता है। पीसेस 1 केजी में होते हैं, 8 पीस आते हैं, और आधे केजी में 4 पीस, क्वार्टर में 2 पीस। सुबह स्टार्ट करते हैं 9 बजे, मैं स्टार्ट करता हूँ 10 बजे से ऑनलाइन चालू हो जाता है। तो लगभग हम रात को तैयार कर लेते हैं, चिकन वगैरह मैरिनेट रात को कर देते हैं। 4 किलो चिकन, 4 किलो चावल का पतीला बनता है, ठीक है, जिसको हम 15 मिनट में बना के रख देते हैं। दिन भर में लगभग 4 से 5 या 6 पतीले करीब हम बना लेते हैं, और जितना मतलब अपना होता है उस हिसाब से बना लेते हैं। और मसालों का क्या है, गर्म मसाले यूज़ होते हैं, खुशबू मसाले यूज़ होते हैं, बाकी वेजिटेरियन जो भी यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं। और 100% शुद्ध है इसमें, कोई वो नहीं है, चिकन एकदम साफ सुथरा और खाने में एकदम टेस्टी। बर्तन अलग अलग यूज़ करते हैं, सेम बर्तन में यूज़ नहीं होता है, चिकन का अलग होगा और वेज का अलग होगा। 100% शुद्धता की गारंटी हमारी है इसमें, गारंटी में कोई भी शुद्धता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी भी तरीके का, क्योंकि खुद काम करने वाले हैं और हिंदू व्यक्ति हैं इसलिए। तो दोस्तों संदीप जी अब यहाँ लगाने लगे हैं जी वेज बिरयानी, एंड आप चेकआउट कर सकते हो इसके अंदर। ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में एक्चुअली इनकी जो बिरयानी है। भैया इसमें क्या क्या रहता है, ये मिलाते क्या क्या हैं? भैया इसमें रहता है, एक तो इसमें
पनीर, मटर पनीर का टेस्ट अच्छा जी रहता है, मटर पनीर। अच्छा मटर पनीर में सोयाबीन की भरी पड़ती है इसके अंदर। अच्छा, और साथ में शायद मुझे ड्राई फ्रूट भी नज़र आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो बादाम दिख रहे हैं आपको, काजू बादाम भी यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, सोयाबीन की बड़ी भी रहती है इसके अंदर। अच्छा, लोडेड होती है वेजिटेबल से, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गाजर भी होता है। अच्छा जी, हाँ जी, और थोड़ा इसमें शिमला मिर्च। ओके, तो दोस्तों ये देखिए लगा चुके हैं भैया हमारे लिए, ये चला गया जी प्याज एंड ये रेडी है। अब दोस्तों देखिए ये हो चुकी जी रेडी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए जी, ये हरी चटनी है, ये प्याज है जी, ये देखिए भाई जो एक फ्रेगनेंस आ रही है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, आप देख सकते हो। अब इसको हम करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कैसा लगता है यहाँ का, मैं यहाँ का टेस्ट एंड और ये रिकमेंड करते हैं नहीं करते आपको, ये खा के पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो जी हम स्टार्ट करने लगे हैं आगे चिकन बिरयानी एंड थोड़े से लेते हैं जी प्याज, ये इनकी चटनी है और ये हरी चटनी भी थोड़ी सी ले लेते हैं। दोस्तों एक स्मोकी टाइप का फ्लेवर आ रहा है एंड जो इन्होंने चीज़ें डाली हुई है ना, इसका एक अलग सा अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड इसके साथ हम एक ये जो हमारा पीस है इसको भी खा के देखते हैं। ये देखिए इसके साथ भी एक बाइट लेते हैं, मैं आपको बता दें कैसा है ये। वाह जी वाह, सुपर ऑसम। जो चिकन है ना एकदम टेंडर है, एकदम पका हुआ है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, आप देख सकते हो। ये हमारा लेग पीस है, अच्छे तरीके से पका हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि अनकुक्ड है, प्रॉपरली कुक्ड है, बहुत अच्छी बिरयानी है। आप ये देखो इसके अंदर वेजीज वगैरह जो इन्होंने मसाले डाले हैं उसका एक अलग फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए काली मिर्च दिख रही है जी आपको, ठीक है, लौंग डली है, जावित्री डली है, बहुत कुछ है इसमें एंड बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। और चटनी का टेस्ट भी बहुत सही आ रहा है और आप क्वांटिटी चेक कर सकते हो कि हाफ़ केजी के अंदर आपको एक तो चार पीस मिल रहे हैं प्लस आपको इतनी क्वांटिटी मिल रही है। आई थिंक दो बंदों के लिए इनफ है, दो बंदे इजी खा सकते हैं आराम से, तो ये मस्ट हैव है मेरे हिसाब से, एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको पसंद आएगी ना तो आप ज़रूर आओगे और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको पसंद आएगी है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये आपको झटका बिरयानी है तो बेझिझक आके आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पे हम खाने लगे हैं जी इनकी वेज बिरयानी और देख सकते हो ये देखो वेजीज आप चेकआउट करो, लाइक ये है आपकी न्यूट्री। यहाँ पे आपको दिख रहा है जी ये आपके मटर दिख रहे हैं जी, प्याज आ गया और ये जी जीरा भी है, मतलब बहुत सारे, और साथ में सबसे ये देखो ये आ गया जी काजू, सॉरी ये आ गया बादाम एंड इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं। और कलर देखो आप कितना बढ़िया आ रहा है, और ये देखिए पनीर भी आ गया। तो अब इसको करते हैं टेस्ट एंड बताते हैं कैसा लगता है इसका वेज का टेस्ट। दोस्तों इसका जो टेस्ट है ना नॉन वेज से डिफरेंट है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर वेजीज हैं, काजू बादाम जो डले हुए हैं वो जो मुंह में आ रहे हैं ना उसका फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त है। जूसी भी ज़्यादा है ये उससे एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज, दिस वन इज़ वेरी जूसी। एंड जो इसके अंदर मसाले डलते हैं, जितने ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मसाले डालते हैं उसका तो टेस्ट ही बहुत ऑसम है। ये देखिए लोडेड है भैया, और भैया ने ये बताया था कि जब से ये बनाने लगे वेज बिरयानी इनकी वेज बिरयानी ज़्यादा चलती है नॉन वेज से भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है ये, और काफ़ी सही चीज़ है। आप देखो जो रेट्स है ना, रेट्स दोनों के सेम हैं, आप वेज ले लो नॉन वेज ले लो, रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब भी आप आओ दोनों चीज़ें ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा, बहुत सही टेस्ट है, बहुत ही सही। तो दोस्तों आप जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जोमेटो वाले डिलीवरी बॉयज़ आपको कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज आपको इससे देख के एक आइडिया हो गया कि यहाँ का जो टेस्ट है यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो आज ही हमें किसी ने रिकमेंड करी थी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आइए यहाँ की वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड लोकेशन आपको समझा देता हूँ, लोकेशन है जी आपका ये कटहरिया मंदिर रोड पड़ती है,
पुलिस लाइन से पहले आपको आना है अटरिया मंदिर रोड के होटल राज पैलेस है यहाँ पे, वहाँ उसी के साथ में आपको शॉप मिल जाएगी। तो कभी भी आपका आना होता है नियर बाय कहीं से भी और लोकल के भी हैं तो आप आके यहाँ पे इसको विज़िट कर सकते हैं या टेक अवे करा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत, बहुत।